और बुलंदशहर से खबर है जहां नवनिर्वाचित चेयरमैन गोपाल पर जानलेवा हमला हुआ। चेयरमैन को गोली मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके हैं। बीएसपी से जीते चेयरमैन गोपाल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में चेयरमैन गोपाल को दो गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में चेयरमैन को हायर सेंटर रेफर किया गया। बीजेपी प्रत्याशी और उसके भाई पर गोली मारने का आरोप है। मछलियों को दाना डालने के दौरान ये फायरिंग की गई। बुलंदशहर के अनूपशहर गंगा घाट के पास की वारदात है। अनूपशहर से बीएसपी के नवनिर्वाचित चेयरमैन है गोपाल।